संजय जी को मैंने इसीलिए बचा के रखा था क्योंकि संजय जी अब जिस बारे में हम बात करेंगे, खिलाड़ी बचा के हाँ और एंड में आते हैं वो स्लॉगिंग करने के लिए, और वैसे भी वो संजय जी जिस बात के बारे में बोलेंगे उसमें सबकी दिलचस्पी होगी। संजय जी मैंने शुरू में जो बताया ये 82.22 का स्ट्राइक रेट 450 सीटों पर लड़कर, ये लगता है संभव है? तभी 400 होगा ना बीजेपी का संजय जी। देखिए प्लेन सिंपल तौर पे तो नहीं कह सकते कि संभव है या नहीं है, कई राज्यों में तो संभव है और बीजेपी ने ऐसा कर दिखाया है। अगर आप गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, तो यहां तो स्ट्राइक रेट 100% है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे 98-99% है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और कुछ और भी राज्य हैं, तो ये कह पाना तो मेरे लिए मुश्किल है। या मैं ये कहूं कि पूरे जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा बैट्समैन क्या वो सारी इनिंग जितने भी इनिंग्स खेलेगा और सब में वो सेंचुरी बनाएगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन अच्छा बल्लेबाज जब होता है तो उससे अपेक्षा होती है कि कई इनिंग्स में वो सेंचुरी मार पाएगा, तो कई राज्यों में तो संभव दिखाई पड़ता है। लेकिन शायद सारे स्टेट में या जहां जहां आपने जो कहा कि पूरे राज्य पूरे जितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी उसमें उनके लिए वो स्ट्राइक रेट रख पाना तो मुश्किल दिखाई पड़ता है कि 82% आप स्ट्राइक रेट पूरे देश भर में नहीं रख पाएंगे। ओके, और 450 सीटों पर बीजेपी को लड़ना पड़ेगा संजय जी। पिछली बार जैसे मैंने बताया पिछले दो चुनाव में 437 और 428, 437 सीटों पर लड़े थे 19 में और 428 पर लड़े थे 2014 में। तो 450 सीटों पर लड़ने का मतलब इस बार सहयोगियों के लिए बीजेपी कम सीटें छोड़ेगी। आपको यह आंकड़ा समझ में आता है 450 वाला? नहीं, अब देखिए एक एक राज्य को अलग अलग देखना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी के सहयोगी भी उनके साथ और आ रहे हैं, तो उससे बीजेपी के लिए को उनके लिए सीटें छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो कैलकुलेशन है, देखिए हम सब कई महीनों से इसी में उलझे हुए हैं, 370-400, 370-400, तो इसका अर्थ क्या है? एक नैरेटिव बना है और हम उसी पे चिपके चर्चा में लगे हैं। लगता नहीं है कि 370 कोई हकीकत होती भी दिखाई पड़ती है, और 400 भी एनडीए के लिए पार कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 400 बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो 360-370 सीटें लाए, लेकिन ये होता हुआ तो 2024 के चुनाव में मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी, मतलब 303 पिछली बार आई थी और जैसा आपने बताया बहुत सारे राज्यों में 100%, 98%, 99% स्ट्राइक रेट था। इस बार कहां कितनी सीटें बढ़ा पाएगी जो 370 हो जाए? 35 से अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी बीजेपी, जबरदस्त परफॉर्मेंस, तो वो 40 सीटें बढ़ा सकती है। लेकिन इसके साथ ये देखना होगा कि एक भी लूज नहीं कर रही है, तब एक भी लूज ना करे और 40 सीट बढ़ाए तब वो 343-345 पहुंचती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है संभव कि सारी की सारी, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस, जिसमें मैं कह रहा हूं 12 से 14 सीटें यूपी में जोड़ लेंगी, 4 से 5 सीटें वेस्ट बंगाल में, 8 सीटें उड़ीसा में जोड़ ले, 7-8 सीटें या 6-7 सीटें तेलंगाना में जोड़ ले, आप अगर जोड़ते जाएंगे तो ये 40 आएंगे। आंध्रा में उनकी 3 सीटें 4 सीटें हो जाएंगी, अगर आप केरल में और तमिलनाडु में भी एक एक दो दो सीटें दे दें तो कुल जमा जोड़ जा करके, क्योंकि कर्नाटक में अपनी सीटें बढ़ा नहीं सकते और कई राज्य हैं जहां वो सीटें बढ़ा नहीं सकते, तो 40 सीटें बढ़ा लेंगे तो 303+40, 342-345 वो सैचुरेशन है। मैं ये कह रहा हूं, ये भी मैं इमेजिनेशन अपने दौड़ा रहा हूं तब कह रहा हूं कि 40-45 सीटें बढ़ा सकते हैं, हारेंगे भी तो कुछ सीटें हारेंगे भी तो। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए जोड़ नहीं पाएंगे। हाँ। ये मैक्सिमम स्ट्रेच जो कहते हैं ना, रबर बैंड को, इलास्टिक को आपने पूरी खींच दी। हाँ। इससे ज्यादा खींच नहीं सकते, अब टूट जाए। हाँ बिल्कुल, अबे दुबे एक सेकंड रुकिएगा।